नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव, आपका समय एवं आपकी खबर। शनिवार को हिंदी दिवस के अवसर पर सिलीगुड़ी के एक निजी भवन में ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की ओर से समाज के विशिष्ट लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से एसके लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश सोमानी, सिलीगुड़ी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अजय कुमार साव व समाजसेवी अरुणांशु शर्मा व पत्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ कर्मवीर सिंह, रेलवे यूनिट अधिकारी प्रदीप गजमेर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किए मनोज शर्मा ने। इस दौरान रेड एफएम 93.5 की आरजे थिया भावेल को सम्मानित किया गया। इसके अलावे एक ऐसी युवती को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने एक कैंसर पेशेंट को अपना पूरे सर का बाल गिफ्ट किया। इस अवसर पर तनुज दे के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चलिए दिखाते हैं आपको उक्त कार्यक्रम की कुछ झलकियां। लेखक है और
और तालियों से स्वागत करेंगे। हिंदी हमें जन्म से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जिस परिवेश में रहते हैं हम कहीं भी जाए हमें हिंदी सीखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी सबसे अधिक बोलने वाली और सबसे अधिक सुनने वाली भाषा है। शायद मुझे लगता है यहाँ कुछ लोगों को पता होगा, मॉरिशस में 80% लोग हिंदी भाषी है और वहाँ हिंदी भाषा ही बोली जाती है। कम से कम हिंदी और भोजपुरी का दर्जा वहां मिल चुका है और ये हमारे लिए हिंदुस्तानी होने के कारण बहुत बड़े गर्व की बात है। बहुत बड़े गर्व की बात है कि मॉरिशस जैसा देश हिंदी को आगे बढ़ा रहा है, भोजपुरी को आगे बढ़ा रहा है, वहां मैथिली की आवश्यकता बोली जा रही है और भी भाषाएं बोली जा रही है। तो कम से कम औरों से हमें सीखना पड़ेगा। चाइना अपनी भाषा नहीं छोड़ पा रही है, वो राष्ट्र भाषा बन चुकी है। रवीश कुमार जी को तो मैं उनकी बात सुन रहा था और वो बात बहुत अच्छे से मन में लग गई कि जिंदगी में कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं कि वो जीतने के लिए होती हैं। वो अपने किसी संदर्भ में ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बात अगर आज हम यहाँ लाएं कि जो लड़ाई 101 साल पहले शुरू हुई थी कि हिंदी को राजभाषा बनाना है अंग्रेजों के टाइम पे और अभी राष्ट्रभाषा बनाना है, तो ये लड़ाई जो है ये चलती रहनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अभी तक जो एक विरासत में छोड़ गए अंग्रेज लोग हमारे साथ कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश इंग्लिश जो एक है एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बन गई। मैं खुद SAT में रहा हूँ, डीन रहा हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग यही सोचते थे कि जो कोई इंटरव्यू लेने आएगा वो अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए, एटलीस्ट थर्ड फोर्थ ईयर में जब बच्चा पहुँचता है तो उसको कम से कम एक कम्युनिकेशन का सुकून उसके ऊपर पहना के, खामा पहना के उसको कम से कम प्रेजेंटेबल तो बना सके। तो दिमाग में यही चलता था कि अंग्रेजी सिखानी, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो इज नॉट स्लेव, वो स्लेव नहीं है लैंग्वेज का। तो हिंदी में इतनी ताकत है कि बाकी सब जो लैंग्वेजेस हैं भाषाएं हैं इनको ओवर पावर कर देती है। कोई पैसा देता है कोई कुछ करता है, लेकिन अपने जिस्म सा काम किया। और आप सबका अगेन एक बार धन्यवाद। ऑपरेटर आप जरूर छूट देने वाली जो बात है ये बहुत ही बड़ी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग बहुत कुछ देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक महिला के लिए नारी के लिए बहुत बड़ा त्याग है। इससे बड़ा कोई त्याग मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है। मुझे अपने सबको से आपके सामने सर है और मुझे हम लोग आने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और आज हिंदी दिवस है, लेकिन अगर मेरे बालों के किस्सा आए तो मैं एक छोटी सी बच्ची को देखी थी जिन्होंने अपना बाल दिया था और मैं माफी चाहती हूँ मेरी आयाना मेघवाली को, मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी ऐसे कॉन्फिडेंटली। तो मैं उस छोटी सी बच्ची को देखकर मेरे अंदर वो आया कि अगर छोटी सी बच्ची कर सकते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं, बच्ची अगर हमको राह दिखा सकता है तो हम उस राह पे चल क्यों नहीं सकते हैं। सो मुझे उस वक्त ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी ना किसी बड़े को पहले आना है, किसी ना किसी को शुरुआत करना है, वो इंजिन बनना है, उसके बाद बॉडी तो अपने आप जोड़ते जाएंगे और अपने प्लेयर बनता जाएगा। सो यही लगा था मुझे तब। और मैं बहुत ही मैंने किसी से बात नहीं की थी, मेरी मम्मी पापा किसी से सलाह नहीं मांगी थी। मैं वो न्यूज देखी थी, हमारे रेडियो स्टेशन का एक वीडियो आया था जो लगभग करोड़ों लोगों ने देखा था, मिलियंस ऑफ लाखों लोगों ने देखा था, मिलियंस ऑफ व्यूज था उस बच्ची का वीडियो था। और वो वीडियो देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसके बाद किसी की नहीं सुनी मैसेज, खुद की सुनी, सामने मुझे सलमान पार्कर जो भी है दिखा, मैं घुस गई वहां से। मुझे लौटाया गया कि आपका इतना बड़ा बड़ा बाल है, इतना अच्छा बाल है, आप इसे काटिए मत। वहां से मुझे
बताया गया हूँ, मैं लौट के आई, लेकिन मैं मेरे दिल में भी था कि ठीक है दुर्गा पूजा सामने है, बहुत सारा काम तो मैं थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स में टेक करना होता है, कैमरे के सामने का काम होता है, रेडियो में सिर्फ नहीं है, अभी तो रेडियो डिजिटल हो गया है, तो हर वक्त अपना चेहरा दिखाना हर एक प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं लगा कि चलो छोटा हाल हो जाएगा तो रस्ते में लोग पाएंगे, तो फिर मैं डिसीजन लिया वहीं पे पार्लियामेंट में गई और आई चॉप ऑफ माय हेयर एंड एकदम 12 इंचेस। अगर आप जो भी है यहाँ पे महिलाएं स्पेशली अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आप हेल्प करोगे, क्योंकि फिनेंशियली हेल्प करना सबको आता है, फिनेंशियल से वो सबके पास होता है, लेकिन जो दिल होता है वो असली पहचान होती है इंसान की, और इंसानियत की बड़ी कमी है आज। और मैं भी दिस जनरेशन, आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई जनरेशन, सो व्हाट आई विल डू माई जनरेशन विल फॉलो दिस, सो गर्ल्स आर फॉलोइंग दिस नाउ। मेरे बाद लगभग 35 लड़कियां आगे आई और कैंसर पेशेंट्स के लिए उनके ब्रिक के लिए अपने बाल जो है ये करना चालू किया। ये था मेरा सक्सेस क्योंकि मुझे कई सारे न्यूज पेपर्स टीवी चैनल्स पे मुझे देखे गया एज एन एग्जाम्पल, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था वो 30 लड़कियां जो आगे आएगी और अभी भी लड़कियां आ रही है मेरे साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट कर रही है। और थैंक्स टू माई फैमिली, थैंक्स टू माई मॉम डैड एक्चुअली, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना एक 25-26 साल की लड़की कभी अपने बाल नहीं कर सकती, तो थैंक्स टू माई मॉम डैड दे आर हियर ऑलरेडी, सो थैंक यू सो मच। एंड एवरीवन अभी लड़की अभी मैं रस्ते से जाती हूँ सब मुझे काटते हैं, अभी तो छोटे छोटे बाल भी आ गए हैं मेरे, 2 महीना ही हुआ है अभी, या 2 महीना हुआ है, तो अभी सब देखते हैं मुझे अजीब तरीके से कि मुझे ही कैंसर है, जब मैंने पूरा एक बार चॉपअप किया था उसके बाद ऐसे लुक्स आते थे ताकि मैं ही कैंसर पेशेंट हूँ, देन आई कुड फील द पेन कि उनके ऊपर से क्या जाता है, उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर से क्या जाता है, घर पे आईना भी नहीं रहता है, आईना भी हटाया जाता है ताकि उनको अपना चेहरा ना दिखना पड़े, वो फील यू हैव टू फील दैट पेन। एंड डेफिनेटली हिंदी दिवस के बारे में भी मैं भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी सर्स ने यहाँ पे अतिथि गण है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे शुरुआत किया जाए, मैं थोड़ी देर बाद फिर से बात करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं AIR के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और साथ ही यह जो अपेक्षित उपस्थिति नहीं है इसको लेकर के भी मैं अपनी हताशा व्यक्त नहीं करता हूँ, बल्कि समय का गहराता जो संकट है और संकट के बीच हम इस मरुभूमि में इस कंक्रीट के जंगल में फूल की खेती करना चाहते हैं, सुगंध का व्यापार करना चाहते हैं और जो लोग यह चाहते हैं उन सभी के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और जो लक्ष्य में आप सभी को बताई और मैं आभार करता हूँ ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन का, जिन्होंने आज यहाँ बुला के जो सम्मान दिया है उसके लिए आभार प्रकट। हिंदी दिवस ऐसा है, देखिए मैं बहुत ही शॉर्टकट नहीं हिंदी दिवस के बारे में आपको बताऊँ, कुछ दिन पहले तक के हिसाब से नजर डाले तो अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम हो चुका था कि अंग्रेजी बोलनी ही है, लेकिन आज घर के मुखिया जिसको कहते हैं घर के मुखिया अगर मतलब सपोज हिंदी में बात करते हैं तो वो लोग उनको फॉलो करेंगे, ये एक ट्रेंड साइड चल चुका है, समय लगेगा लेकिन अच्छा होगा। और जो बात आती है कि भाई हिंदी बोलने में शर्म महसूस होती है या होती ही बोलूंगा आज के दिन गर्व से, क्योंकि मोदी जी ने ये एक ट्रेंड चला दिया है। अब आज देखिएगा कि मुखिया के हिसाब से अगर देखा जाए आजकल एक ट्रेंड
में हिंदी में बात करते हैं और बेटे की बात या बेटी की बात आती है तो बेटा कम है और बेटी कम है, तो ये एक सिस्टम बन चुका है। लेकिन इसको धीरे धीरे शायद आशा करते हैं टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगे। बस ज्यादा तो क्या कहें, सब हिंदी के अच्छे अच्छे वक्ता है ना, उतना मेरा तो नॉलेज हिंदी में है नहीं। एक चीज जब आज माइक्रोफोन मेरे हाथ में लग रहा है तो मैं चाहूंगा कि अपने एसके लाइफ के बारे में आपको छोटा सा कुछ बता दूं। एसके लाइफ न्यूज एक पोर्टल नहीं है, एसके लाइफ न्यूज चैनल है। एवरीवेयर हम लोग टीवी में आ रहे हैं, सिक्किम दार्जिलिंग कैलिफोर्न एरी, यहाँ पे देखा जाए तो राइट फ्रॉम स्लामपुर टू मैनपुरी, जिसमें सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी शामिल है, और तीन भाषाओं में हम न्यूज करते हैं और तीन बुलेटिन पर डे, हिंदी नेपाली और बंगाली। तो ये है, साथ ही साथ केवल टीवी में ही नहीं, टीवी में तो 24 घंटे अपना चैनल है ही है, साथ ही साथ हम लोग मतलब सोशल मीडिया जिसको कहते हैं फेसबुक यूट्यूब, अपना एंड्रॉइड ऐप है जिसके माध्यम से आप स्मार्ट टीवी यूज भी आज हमारे डे बाय डे बढ़ रहे हैं, देन वेबसाइट। थैंक यू वंस अगेन, आप सभी को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बधाई हो, धन्यवाद। और विशेष करके मैं ऑल इंडिया की बहुत शिष्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम से हम हिंदी भाषियों के बीच आप लोगों ने जागरूक करा कर दिया है। जिस चीज को हम लोग प्रयत्न कर रहे थे उसे आपके भी जा रहे थे कि आप लोगों ने आज का दिन जो मार्ग किया, इससे मुझे हम सबको को महसूस हुआ कि नहीं, हिंदी जो है यह हमारे देश की एक अंग है। हम लोग आज अपने परिवारों के बीच में हम अपने घरेलू भाषा से हट रहे थे, हम लोग हिंदी बोलने से कहीं भी कह सकते थे कि हिंदी हम कैसे बोलेंगे, शायद अंग्रेजी बोलने को ज़्यादा बेहतर होता, मगर मेरा एक्सपीरियंस जो है हम समझते हैं कि यदि बंगला भाषी हो या बिहारी हो या पंजाबी हो, यदि अपनी भाषा को इस्तेमाल करते हैं तो इससे मेरे संस्कार बचा हुआ रहता है, और जब भी हम लोग अंग्रेजी को हायर करते हैं तो हमारा संस्कार वहाँ से भी खाना शुरू हो जाता है। आप लोग देखिए जितने भी देखिए परिवार में बिहारी हो पंजाबी हो नेपाली हो गुजराती हो मराठी हो, जब उस फैमिली में अंग्रेजी का जाना शुरू होता है तो परिवार बैठे रहता है, वो हाल हो जाता है कि वैसे आप घरों के लोगों से सो रहे हैं तो हो जाता है सबके सामने। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स, घर के सजावट सैनिटरी वेयर बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं, वृंदावन मार्बल्स ईस्टर्न बाईपास रोड सिलीगुड़ी, कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए, तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स, सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स सिडवैप्स क्या है, शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ, सपना जुन चाहिँ रंगहरूमा देखिन्छ, रंग जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ, कदमको हर आहटमा खुशी देखिन्छ, उम्मेदमा हिता सालै साल सपनाको घर बनिन्छ, सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो,
धरती देखी आकाश सम्म रंग हो पीआईएस को। पीआईएस पशुपति इंफ्रा एंड सप्लायर्स एक्सक्लूसिव स्टोर फॉर प्रीमियम फ्लोरिंग एंड वॉल टेक्सचर। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS, the Planet Mall, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 97333-41414. अब तक इतना ही, आप बने रहिए SK Live के साथ, धन्यवाद।